पूर्णिया में जन अधिकार पार्टी के द्वारा युवा संवाद का आयोजन किया गया था, जिसमें जन अधिकार पार्टी प्रमुख पप्पू यादव ने युवाओं से काफी कुछ साझा किया। पप्पू यादव ने नैतिक मूल्यों की बात की, खासकर उन्होंने राजनीति में युवाओं की भागीदारी पर चिंता जताया। उन्होंने कहा कि सत्ता में 55 पार वाली परंपरा है, जिसे युवाओं को तोड़ना होगा। सीमांचल भर से आए युवाओं के साथ जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने प्रेरणात्मक बातों पर बल दिया। वहीं उन्होंने कहा कि पूर्णिया मेरे लिए सब कुछ है, पूर्णिया ने हमें लड़ना और जीना सिखाया, पूर्णिया के हर घर से हमारा रिश्ता। पूरे बिहार को यह संदेश है, रोजगार के मुद्दों को लेकर, डोमिसाइल मुद्दों को लेकर नरेंद्र मोदी ने जो युवाओं के भविष्य को खत्म किया है, देश में उन्होंने युवाओं को सिर्फ नफरत करने, मणिपुर की घटना में युवाओं का महत्व बढ़ गया, लगातार बेटियों के साथ बलात्कार की घटना बिहार में, लगातार पुलिस की जुर्म, पुलिस की गोली, लगातार हर जिले में गैंगवार, मुजफ्फरपुर बेटा में किसानों को मार देना, इसमें युवाओं को आचरण से विचारों से लैस करना, जो युवा अध्यक्ष हमारे राजू दानवीर ने जो संकल्प लिया और चारों जिला के युवा अध्यक्ष पूर्णिया के अरुण यादव जी के नेतृत्व में तीनों जिला के जिला अध्यक्ष यहां पर आए हैं, पार्टी के अध्यक्ष, प्रदेश महासचिव, प्रवक्ता राजेश जी और सभी प्रकोष्ठ, चाहे युवा शक्ति जो लोग हैं, आज एक संकल्प लिया गया है पूर्णिया में, जो अन्य पार्टी दूसरे जाति दूसरे विचार और धर्मों को गाली देती है, कमजोर करती है, नफरत सिखाती है, समाज को तोड़ती है, पूर्णिया कमिश्नरी सीमांचल से इतिहास की शुरुआत। हम धर्म के आधार पर राजनीति नहीं करेंगे, हम जाति के आधार पर राजनीति नहीं करेंगे, हम सेंटिमेंट के आधार पर राजनीति नहीं करेंगे, हम नफरत के आधार पर राजनीति नहीं करेंगे, हम विचारों के आधार पर राजनीति करेंगे, हम वसुधैव कुटुंबकम पर राजनीति करेंगे, सर्वधर्म सार्वभौमिकता पर हमारी राजनीति होगी, हम कोसी सीमांचल में लड़ने को तैयार हैं, यहाँ के विकास को लेकर, आर्थिक आजादी, पूर्णिया को राजधानी बनाओ, पूर्णिया को एयरपोर्ट देना होगा, भागलपुर सहरसा को एयरपोर्ट देना होगा, सहरसा में एम्स बनाना होगा, पूर्णिया में हर कीमत पर, किसी भी कीमत पर हाईकोर्ट बेंच यहां स्थापित करना होगा, पूर्णिया किशनगंज अररिया में मक्का पर, जूट पर और मखान पर 10-10 फैक्ट्री देनी होगी। हमारी लड़ाई यहां से संकट के साथ शुरुआत हुई है, जब तक रोजी नहीं तब तक सरकार नहीं, वोट नहीं, जब तक रोजगार नहीं तब तक वोट नहीं, जब तक राइट ऑफ एजुकेशन, राइट ऑफ हेल्थ, राइट ऑफ वेल्थ, राइट ऑफ जस्टिस, राइट ऑफ वर्क, जो काम राजस्थान की गवर्नमेंट ने किया है, अस्पताल का, चिकित्सा का अधिकार, वो हम सरकार से लेंगे, डोमिसाइल मुद्दा को वापस करें, और इस संकल्प के साथ हम सीमांचल की लड़ाई अपने बलबूते लड़ेंगे, इस निर्णय के साथ जयघोष करते हैं। और आज इसी का करी है कि यहाँ चरित्रवान विचारवान यूथ आए हैं, छात्र आए हैं, पार्टी के लोग आए हैं। गुलाबबाग में हम गए थे, हमने एसडीओ और डीडीएम साहब से कहा है, गुलाबबाग में आप किसी कीमत पर तंग ना करें व्यवसायियों को, जब तक आप उसको दुकान नहीं देते उसके दुकान को ना तोड़ें, दुकान तोड़े तो आप पहले उसके दुकान को कह दें कि 3 महीने के अंदर अलॉट करेंगे, तब दुकान तोड़े। भेद में नोटिस दे दिया गया, दुकान किसकी होगी कब, अब नए सिरे से बांटेंगे, ये नहीं होता। सैकड़ों साल से व्यापारी रहता है, सैकड़ों सालों से जिसको बड़ा दुकान है उसको आप छोटा दुकान दे दीजिएगा, और एक तरफ आप बनाइए, दूसरे तरफ आप रोकिए, बना करके दीजिए, फिर दूसरे तरफ जाइए। हम व्यवसायियों के विचारों के साथ खड़े हैं, यदि व्यवसायियों को तंग किया गया तो हमारी पार्टी सड़कों पर मरने की तैयारी करेगा। गुलाब बाग और व्यवसायियों की हिफाजत पप्पू यादव के कैरेक्टर और जीवन का
सबसे पहला माध्यम। धन्यवाद। आगामी लोकसभा चुनाव देखेंगे सर भैया, जो तय करेगा, जो संकल्प होगा, उस संकल्प के साथ हम किसी कीमत पर, पूर्णिया हमारी माँ है, पूर्णिया हमारी कर्मभूमि है, जो पूर्णिया से सात जन्म में अलग नहीं हो सकते, मरना यहाँ, जीना यहाँ, तेरे सिवाय जाना कहाँ। बताइए, युवा समाज चल रहा है, पूर्णिया आपका आगमन हुआ है, क्या उद्देश्य है? सबसे पहले पूर्णिया की धरती को मैं प्रणाम करता हूँ और हमारा राज्य स्तरीय प्रमंडल वाइज बैठक लगातार चल रहा है, जिसका तीसरा चरण ये पूर्णिया प्रमंडल में है और यहाँ पर चार जिला आए थे, चार जिला के लोग जो प्रमंडल में आते हैं, कटिहार, अररिया और किशनगंज और पूर्णिया। सबसे बड़ी बात कि आज कहीं ना कहीं युवा हाशिए पर है, जितनी भी बड़ी पार्टियां हैं और प्रदेश का हो चाहे केंद्र का हो, कोई भी पार्टी सिर्फ युवा को ठगने में लगा हुआ है, युवा को सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल करती है। आपको सबसे पहले युवाओं को राजनीति में जाल में फंसाती है, उसके बाद इस्तेमाल करती है, समय आता है तो टिकट उकट भी नहीं मिलता है और रोजगार के वादे करके वोट लेकर अब फिर युवाओं के साथ छल करता है और नहीं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और नहीं रोजगार मिलती है। इन सभी को लेके और जो कोसी या सीमांचल का मेन है, जो यहाँ दहाड़ का क्षेत्र है, यहाँ से युवाओं का भारी मात्रा में पलायन है, इन सभी को लेके और जो हमारे पार्टी का कहीं ना कहीं युवा परिषद जो पंचायत स्तर तक मजबूत हो, जिसको लेके ये युवा संवाद हुआ है और इसमें हमने युवाओं को लेके विभिन्न बिंदुओं पर बात की है, जैसे 80% भागीदारी राजनीति क्षेत्र में मिलना चाहिए युवाओं को और सबसे बड़ी बात कि युवा जो होता है वो देश का भविष्य होता है और कोसी सीमांचल का जो युवा है वो कहीं ना कहीं प्रदेश के उन्नति में महत्वपूर्ण योगदान है और कोसी सीमांचल कहीं ना कहीं ये फणीश्वर नाथ रेणु की भूमि रही है और कहीं ना कहीं इसमें युवाओं का पलायन जो है ना, ये सभी को लेकर हम लोग को इन सभी मुद्दों को लेकर यहाँ पर संवाद हुआ है और इस पर साफ तौर पर आदरणीय श्री पप्पू यादव जी का जो मार्गदर्शक से जितने भी युवा हैं, जो युवा विंग में हमारे कार्यों में पार्टी में अधिक योगदान दे रहे हैं, सभी कहीं ना कहीं आदरणीय श्री पप्पू यादव जी से प्रभावित हैं और पप्पू यादव युवाओं के आइकॉन हैं।